हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल होने वाला है। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू ले लेते हैं, अच्छा होगा यार। ठीक है, तो बेसिकली कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में अगर मैं बात करूं तो शुरुआत करते हैं मेन मेमोरी से। तो आपकी जो मेन मेमोरी है उसमें पार्टीशनिंग की जाती है। क्या की जाती है? पार्टीशनिंग की जाती है, मतलब यहाँ पे समझ लो अगर आपकी ये मेमोरी है, ओके दिस इज द मेन मेमोरी, तो मैंने इसको कैसे पार्टीशन किया कि आई हैव टेकन वन पार्टीशन ऑफ 2 MB, दूसरा पार्टीशन 2 MB का, कभी 3 MB का, कभी 2 MB, 2 MB, कभी 3 MB का। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, आपके पूरे मेन मेमोरी को पार्टीशन कर दिया, ओके। और ये पार्टीशनिंग दो टाइप की भी हो सकती है, मतलब ये इक्वल साइज पार्टीशनिंग हो सकती है या फिर वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग हो सकती है। इक्वल साइज मतलब क्या कि जितनी भी आपने पार्टीशनिंग की है इस पूरे मेन मेमोरी की, वो सारी 2 MB की है, हर एक पार्टीशन 2 MB की, मतलब ये 2 MB, 2 MB, 2 MB, 2 MB, 2 MB, सारे के सारे। और अगर वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग का अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होगा, कभी मैंने यहां पे 2 MB की कर दी, कभी 10 MB की कर दी, कभी 50 MB कर दी, कभी 1 MB की कर दी। तो ये होगा वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग, ओके, जो कि हम लोगों को यहां पे देखने को मिलेगा व्हेन वी आर पार्टीशनिंग अ मेन मेमोरी। ठीक है, अब मुद्दा क्या है कि मैंने चलो मेमोरी को पार्टीशन कर दिया, बराबर, अभी ऑब्वियसली जब ये प्रोसेस आएगी तो उसको कोई ना कोई मेमोरी एलोकेशन करनी पड़ेगी। तो जिस तरीके से, जिस फैशन में आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करते हो, जिस पर्टिकुलर फैशन में आप उस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करते हो, अगर वो कंटिग्यूअस फैशन है तो आप उसे कहोगे कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। एक और बात दोहरा देता हूं मैं, बड़ा सिंपल है। एक प्रोसेस आई, उसको मेमोरी में जगह चाहिए, ओके, एलोकेट होना है। तो जो फैशन आप मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज करोगे फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस P1, If it is a contiguous fashion मतलब one after other, मतलब contiguous में आप ऐसे नहीं कर सकते, ये आपकी मेमोरी है उसमें मैंने पार्टीशन कर दिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मैंने P1 का आधा पार्ट यहां डाल दिया, P1 का आधा पार्ट ऐसे डाल दिया। सो यू कैन नॉट डू इन दैट वे, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी मच रॉन्ग। ठीक है, तो ये कंटिग्यूअस फैशन नहीं कहता, ये कंटिग्यूअस फैशन नहीं, ये नॉन कंटिग्यूअस फैशन है, ये नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। कंटिग्यूअस मतलब क्या कि एक अगर आपको पार्टीशन दिया है तो उसमें मेरी प्रोसेस फिट होनी चाहिए, इट शुड नॉट एक्सटेंड इटसेल्फ टू एनी अदर पार्टीशनिंग, ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, अभी इस केस में प्रोसेस P1 आया तो ऑब्वियसली इसकी साइज थी प्रोसेस की 1 MB और उसको फिट होना है मेरे किसी पार्टीशन में, ओके, तो मैंने क्या चुना, पहले ही पार्टीशन चलो उसको दे देते हैं जिसका 2 MB है, तो वो फिट भी हो जाएगा। तो मैंने इस प्रोसेस को उठाया और इस मेमोरी में डाल दिया, ठीक है, एलोकेट कर दिया उसको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपको सामने दिख रही है, दैट इज वी कॉल इट एज अ, यहाँ पे ये गैप दिख रहा है, ओके, दिस इज द गैप। व्हाट डू यू मीन बाय दिस गैप, यहाँ पे आपकी मेमोरी वेस्ट हुई है, यहाँ पे आपकी मेमोरी वेस्ट हुई है। क्योंकि जैसे कंटिग्यूअस फैशन का मीनिंग है वो ये कहता है कि अगर बाय चांस एक और प्रोसेस P2 आ जाती है तो उस P2 का थोड़ा सा हिस्सा आप यहाँ पे नहीं डाल सकते, आपको पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो एक पार्टीशन को देना पड़ेगा। और ये पार्टीशन किस टाइप का है, फिक्स्ड पार्टीशन है। फिक्स्ड पार्टीशनिंग मतलब क्या कि भाई ये 2 MB से 2.1 MB भी नहीं हो सकता, और ना ही कम और ना ही ज्यादा, ये सिर्फ 2 MB अगर पार्टीशन किया है तो ये 2 MB ही रहेगा। दैट इज व्हाई वी सी इट एज अ फिक्स्ड पार्टीशनिंग। और इस फिक्स्ड पार्टीशनिंग में जैसे मैंने बताया था इक्वल साइज पार्टीशनिंग में हो सकता है एंड वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग भी हो सकता है, बट ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल पार्टीशनिंग नहीं है। सी, इट इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज फिक्स्ड। वेरिएबल पार्टीशनिंग क्या होता है कि यहां पे वो स्केल अप हो सकता है, स्केल अप हो सकता है, मतलब क्या, ये अगर मैंने पार्टीशनिंग किया है तो ये थोड़ा सा स्केल अप स्केल डाउन ऐसे हो सकता है, पार्टीशनिंग वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड है। अभी हम लोग फिक्स्ड के बारे में बात करेंगे यहां पे। तो मैं कहा था कि यहां पे आपकी जो मेमोरी वो वेस्ट हुई है, करेक्ट और नॉट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंटिग्यूअस फैशन यू कैन नॉट हैव अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर प्रोसेस एंड जस्ट पुट इन और जस्ट फिल दिस पार्ट। ये पूरा का पूरा पार्ट आपको ढकने के लिए आपको थोड़ा सा पार्ट ऑफ प्रोसेस आप नहीं ले सकते, आपको पूरी की पूरी प्रोसेस लेनी पड़ेगी इनटू अ पार्टीशन। तो यहां पे क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये वेस्ट हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इट इज कॉल्ड एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो जब भी आप कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन करते हो तो ये प्रॉब्लम आना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन दिस इज अ वेरी नॉर्मल प्रॉब्लम, ठीक है, तो मतलब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज अ वेरी नॉर्मल प्रॉब्लम। तो ऐसे कई बार हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक प्रोसेस आ गई उसको भी सिर्फ 1 MB लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक प्रोसेस आ गई उसको सिर्फ 2 MB लग रहा है, यहाँ पे भी एक प्रोसेस आ गई 1 MB लग रहा है इसको, यहाँ पे भी 1 MB लग रहा है सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे उसको 2 MB लग रहा है, ओके, और यहाँ पे भी 2 MB लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब ये करने का मुद्दा क्या मेरा, क्योंकि मुझे अगला कॉन्सेप्ट समझाना है यूजिंग दिस, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पे 1 MB यहाँ पे वेस्ट हुआ, ठीक है, 1 MB यहाँ पे वेस्ट हुआ, 1 MB यहाँ पे वेस्ट हुआ, और 1 MB यहाँ पे, 1 MB यहाँ पे, 1 MB यहाँ पे,
और लास्टली ये 1 MB, तो टोटल कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे 7 MB जो है मेरा वेस्ट क्यों हुआ? क्या मैं इसको कोई और प्रोसेस नहीं दे सकता? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रोसेस है P3 और इसकी रिक्वायरमेंट है कि 7 MB, मुझे मेमोरी का 7 MB चाहिए अपने आप को उस मेन मेमोरी में रखने के लिए, इसको 7 MB चाहिए, तो है ना भाई 7 MB है अपने पास 7 MB है, बट क्या ये 7 MB में इसको ले सकता हूँ? नहीं दे सकता, बिकॉज ऑफ द रूल्स ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंटिन्यूअस कहता है कि भाई आप नहीं तोड़ सकते अपने प्रोसेस को इनटू डिफरेंट पार्ट और दे सकते इनटू द मेमोरी, ऐसा नहीं कर सकते, आपको पूरा प्रोसेस एक पार्टीशन में बिठाना है और वो भी वन आफ्टर द अदर ही होना चाहिए, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ कंटिन्यूअस नेचर, कंटिन्यूअस फैशन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो रिलेशन दिखाता है दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या कि जितनी भी चीजें बची हुई हैं, जितनी भी मेमोरी बची हुई है, अगर आप उनको सम अप कर दो और उतने ही मेमोरी रिक्वायरमेंट वाला अगर एक कोई प्रोसेस आता है तो आप वो प्रोसेस को उस मेमोरी को अलोकेट नहीं कर पाओगे, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो डिफरेंस समझ में आ गया ना, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है? बड़ा सिंपल सा है कि जब भी आप कोई एक प्रोसेस एक पार्टीशन को देते हो तो अगर कुछ मेमोरी बच जाती है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है कि जितनी भी मेमोरीज बच गई है इन एवरी पार्टीशन, अगर मैं उसको जोड़ दूं और उतने ही साइज का अगर कोई एक प्रोसेस आता है और बोलता है मुझे इतनी मेमोरी चाहिए, तो मेमोरी होते हुए भी मैं उसको मेमोरी में एलोकेट नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, इसे कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा फिक्स्ड पार्टीशनिंग क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टेटमेंट इस वीडियो का, अगर इंटरनल स्टेटमेंट अगर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अगर होता है, इफ द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फिनोमेना एग्जिस्ट इन सच केस ऑफ कंडीशन और इन केस ऑफ एनी मेमोरी एलोकेशन, तो उस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के साथ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी रहेगा, उस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के साथ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी रहेगा, दैट्स व्हाट यू शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत मदद कर दी होगी तो उस मदद को आप प्रोपेगेट कर सकते हो बाय शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।